ओम शांति, प्रणाम सभी को। ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। तो दोस्तों, आइए आज के दिन नए साल पर, बहुत खुशियों भरा दिन है, बहुत उमंग और उत्साह रहता है। और हमारे भारत में जैसे कि बहुत सर्दी रहती है, सर्दी का मौसम रहता है, तो हम सभी ख्याल रखते हैं कि हम बहुत हेल्दी डाइट लें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। जी हाँ दोस्तों, 31 दिसंबर और 1 जनवरी, 1 जनवरी, ये दोनों ही दिन बहुत अहम होते हैं हम सभी के लाइफ में। बहुत सारे लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं, कुछ नया नया करने की सोचते हैं। न्यू ईयर के रात जो ईव होती है, उसमें कुछ लोग तो केक कटिंग करते हैं, पार्टीज करते हैं, बाहर जाते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या ये सेलिब्रेशन, ये इंजॉयमेंट सिर्फ एक दिन का है, या हमारा पूरी ज़िंदगी ही सेलिब्रेशन और इन्जॉयमेंट होना चाहिए? यानी कि मेरा पूरा जीवन सेलिब्रेशन की तरह बीते, मेरी पूरी ज़िंदगी पीस, लव एंड जॉय के साथ बीते, ये हम सभी का उद्देश्य है। अगर हमारा जीवन सिर्फ एक दिन की सेलिब्रेशन और फिर बाद में फिर वही पुराने किस्से, वही लड़ाई झगड़ा, कला कलेश, अगर ऐसा होता है, इसका मतलब है कि हम अपने जीवन में उन मैसेजेस को, ये जो विशेष दिन होते हैं, इन विशेष दिनों पर जो हम विशेष स्पेशल मैसेजेस होते हैं, उनको सिर्फ एक दिन के लिए याद रखते हैं और फिर भूल जाते हैं। इस एक दिन में हम सभी को विश करते हैं, बहुत कुछ नया करने की सोचते हैं, शॉपिंग जाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या हमने अपने मन का परिवर्तन किया? क्या हमने अपने मन को नया किया? क्या कभी कोशिश की कि जिन पुरानी बातों से हम अपने नए साल को ख़राब करते हैं, क्या उसको एंड करके हम पुरानी बातों को लगाम लगाएं और उसे हमेशा के लिए जलाकर ख़त्म कर दें? किसी ने कुछ कह दिया और उस बात को ऐसे पकड़कर सालों साल चलते हैं, जिसकी वजह से हमारी खुद की हेल्थ खराब होती है। हम अपने खाने पीने का ढंग, हम अपने रहने सहने का ढंग, हमारे लाइफस्टाइल, हम अगर इन सभी का परिवर्तन करें, तब जाकर के हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सोने जैसी ब्यूटीफुल, हमारी ज़िंदगी एकदम तंदुरुस्त, खूबसूरत और इन्जॉयमेंट भरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, नए साल के सिर्फ पहले दिन का रेजोल्यूशन नहीं, लेकिन पूरे साल भर उन चीज़ों को परिवर्तन कीजिए जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। सेल्फ एनालिसिस कीजिए, बैठिए, देखिए कि क्या ऐसा है जो पिछले साल में नहीं कर पाए, करना चाहते थे लेकिन इस साल में हम करेंगे। और आज उसे जब आप लिखें, तो साथ में परमपिता परमात्मा निराकार से, ऑल माइटी अथॉरिटी से, जो हम सभी का पिता है, उनसे आशीर्वाद लेकर, उनसे प्रेरणा लेकर, उनका साथ लेकर, उसे अपना दोस्त बनाकर, प्रेम पूर्वक उनका साथ लेकर, इसे पूरी ज़िंदगी, पूरा साल ही उन चीज़ों को करने की कोशिश करें। क्योंकि जो रेजोल्यूशंस होते हैं, वो सिर्फ हमारी डायरीज में लिखे ना रह जाएं, लेकिन पूरी ज़िंदगी, पूरा साल हमारा परिवर्तन, क्योंकि एक एक दिन महीना बनाता है, महीने साल बनाते हैं, तो शुरुआत तो इस एक दिन से ही होगी। अगर हर दिन आप अपनी अच्छी हेल्थ, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट, अच्छी सेहत, अच्छा मन, अच्छे विचार, अच्छी सोच, अगर ये सभी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी दोस्तों। तो आइए आज के दिन ये रेजोल्यूशन लेते हैं कि रेजोल्यूशन जो ले रहे हैं वो एक दिन का नहीं, वो ये 365 डेज हम करेंगे। जब इस तरीके से परिवर्तन किया जाएगा, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य अपने आप से हो जाएगा। इस नए साल पर सिर्फ कपड़े नए नहीं, लेकिन विचार भी नए हों। सिर्फ भोजन, सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल नया नहीं, लेकिन हमारा किरदार नया हो। क्या ऐसी कोशिश की जा सकती है? जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बारी हम अपने ज़िंदगी की पुरानी चीज़ों को, पुरानी वस्तुओं को, पुराने रखे हुए सामान को सालों साल चेंज नहीं करते। ठीक उसी तरह हमारे मन में पड़े हुए पुराने विचार, पुरानी बातें,
हमारा पास्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ता। और जब भी हम कभी मेडिटेशन या खाली बैठे होते हैं या शांत बैठते हैं, तो वो पुराने सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई बातें भी प्रेजेंट में आकर के हमें झंझोड़ देती हैं, तंग कर देती हैं, और हमारा जो सुखद फील, अच्छा फील करने वाला टाइम होता है, वो उसमें बह जाता है और हमें बुरा फील होने लगता है। इसका अर्थ क्या है कि हमने कभी भी उन पुरानी बातों को जलाया नहीं, खत्म नहीं किया, सिर्फ दबाया है जो समय समय पर वापस आ जाता है। नए साल के इस दिन पर ये लक्ष्य लें कि हमें अपनी जिंदगी को अगर परिवर्तन करना है, अगर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है, तो सबसे पहले मुझे मेरे अंदर हर पहलू पर चेंज लाना होगा। जैसे कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, हम डाइट में चेंजेस करते हैं, हम अपने भोजन में चेंजेस करते हैं, हम लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है, तो परमपिता परमात्मा निराकार शक्ति से वरदान लेकर उसके साथ ये एफर्मेशंस लें आज के दिन कि परमात्मा का सबसे ब्लेस्ड चाइल्ड हूं मैं, और इस ब्लेसिंग्स के साथ अपने जीवन का परिवर्तन कीजिए। जब आप आज के दिन परिवर्तन करेंगे, आपका पूरा साल ही उस तरीके से गुजरेगा। लेकिन अगर हमने आज के दिन परिवर्तन नहीं किया और सिर्फ मोटे रूप से इस साल को सिर्फ आज के ही दिन सेलिब्रेट किया और पूरा साल हम फिर पुरानी ही बातों में आ गए, तो फिर ये परिवर्तन कैसा? परिवर्तन तो वो होता है कि आज सोचा और हमेशा के लिए वो परिवर्तन हो जाए, आज किया और वो उसका असर, उसका प्रभाव हमेशा के लिए रहे। तब कहेंगे कि हमने सही मायने में नए साल को अपने जीवन में, इस जीवन को नया करने के लिए उसे मनाया है। इसी के साथ विदाई लेते हैं और आप सभी को पूरे साल भर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वरीय प्रेम खुद के अंदर और पूरे समाज में फैलाएं, इस बॉन्ड को और सुख शांति को पूरे समाज में फैलाकर, स्प्रेड करके इसका संदेश एक दूसरे को दें, ताकि हमारे मन से एक एक जो विचार निकलता है वो सद्भावना, शुभ भावना से भरा हुआ हो। जब भी कभी किसी दूसरे के लिए जरा सा भी कुछ नेगेटिव आता है, उसको वहीं रोक कर चेंज कर लिया जाए, परिवर्तन कर लिया जाए, तभी कहेंगे सच्ची दीपावली, तभी कहेंगे सच्ची क्रिसमस, तभी कहेंगे सच्चा नया साल। तो इस नए साल पर ये रेजोल्यूशन जरूर लें कि हमें अपनी जिंदगी का, स्व का, अपने मन का सबसे पहले परिवर्तन करना है, क्योंकि मन जीते जगत जीत, ये बात हम आज तक सुनते आए हैं, लेकिन उसे प्रैक्टिकली धारण करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे लाइफ में, योर लाइफ विल चेंज, योर वर्ल्ड विल चेंज। इसी के साथ चलते हैं, खुश रहिए, उमंग उत्साह में रहिए, खूब इस दिन को और इस पूरे साल को सुखद रूप से मनाइए। इसी के साथ धन्यवाद, ओम शांति, हैप्पी न्यू ईयर।